तो CWC कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में रिजोल्यूशन पास होता है जिसमें इन्होंने इनको कंडेम किया एंड सेड दैट इंडिया कुड नॉट बी पार्टी टू वॉर ऑन द फेस ऑफ इट फॉर डेमोक्रेटिक फ्रीडम व्हाइल दैट फ्रीडम वॉज बीइंग डिनाइड टू इंडिया, है ना, कि आप हमको फ्रीडम नहीं दे रहे हो और किसी दूसरे के फ्रीडम के लिए लड़ रहे हो. इफ ब्रिटेन वॉज फाइटिंग फॉर डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम इट शुड बी प्रूव बाई एंडिंग इम्पीरियलिज्म इन इट्स कॉलोनीज एंड एस्टेब्लिशिंग फुल डेमोक्रेसी इन इंडिया, ठीक है, और द गवर्नमेंट शुड डिक्लेयर इट्स वॉर एम्स सून एंड ऑल्सो एज हाउ द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी वर टू बी अप्लाइड टू इंडिया आफ्टर द वॉर. जो रिजोल्यूशन पास हुआ उसने बोला कि आप किसी को फ्री फ्रीडम के लिए अगर लड़ रहे हो, डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हो, तो अपनी कॉलोनीज को फ्री करो, इंडिया में डेमोक्रेसी लाओ, ठीक, तब हम मानेंगे कि आप सही में जो चीज़ बोल रहा है उसको फॉलो कर रहा हो. और फिर इन्होंने बोला कि आप अपना वॉर एम्स क्लियर करो कि आपका एम क्या है वॉर एंड होने के बाद, और ये भी बताओ कि इंडिया में ये डेमोक्रेसी कब तक आएगी. ये CWC की मीटिंग में रिजोल्यूशन पास.